जनजातीय कार्य विभाग से आए सहायक आयुक्त प्रशांत आर्य द्वारा ग्राम के नवीन निर्माणाधीन कन्या छात्रावास, बालक छात्रावास और स्कूलों का निरीक्षण किया गया और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं सहायक आयुक्त प्रशांत आर्य द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि नवीन निर्माणाधीन कन्या छात्रावास का कार्य 2 माह में पूरा करने के ठेकेदार को निर्देश दिए, जिससे अगले शिक्षा सत्र से छात्रावास नवीन भवन में चालू हो सके। वहीं बालक छात्रावास के अधीक्षक को छात्रावास भवन के रिपेयरिंग को गुणवत्ता पूर्ण करने एवं रंग रोगन के दिशा निर्देश दिए। वहीं कन्या छात्रावास में छात्राओं की संख्या अधिक होने एवं बैठक व्यवस्था कम होने वाले सवाल पर बताया कि विभाग द्वारा शासन को एक नवीन भवन बनाने को लेकर अवगत कराया गया है। बरूर से रामेश्वर कुमरावती रिपोर्ट। हॉस्टल निरीक्षण के लिए आया है, तो यहाँ क्या क्या देखा और क्या निर्देश दिए? यहाँ पे जो नवीन छात्रावास बन रहा है द्वारा जो बनाया जा रहा है उसका निरीक्षण करने आया था। छात्रावास में किस तरह से निर्माण कार्य हो रहा है उसके बारे में जानकारी ली। SDO PIU भी यहाँ पर आए हुए थे मेरे साथ में और उनको निर्देशित किया गया है कि इसमें ये मार्च तक इस कार्य को पूर्ण करें ताकि नवीन सत्र में छात्रावास भवन संचालित किया जा सके। अन्य कहीं निरीक्षण? अभी ये 12 छात्रावास का ही मैंने विजिट किया है वहाँ पर और वहाँ की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है और जो साफ सफाई को लेकर कुछ चीज़ें जगह पे दिखा तो उसके लिए उनको निर्देशित किया गया है। सर, कन्या हाई स्कूल में जो प्राचार्य है उनका कहना है कि जो रूम की कमी पड़ रही है, बच्चियाँ ज़्यादा है और कमरे कम उनके पास, इसके लिए हम लोगों ने प्रस्ताव भेज दिया है और एडिशनल रूम की मांग की गई है। वो उम्मीद है कि हमको ये जल्दी मिल जाएगा वहाँ पर, तो उसका कार्य चालू करा देंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।